बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां आए दिन नई फिल्में अनाउंस होती हैं और हर हफ्ते कई नई फिल्में रिलीज होती हैं, वहां बहुत सारे स्टार किड्स भी डेब्यू कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो रिसेंटली भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार किड्स ने डेब्यू किया और अब सनी देओल के बेटे करण देओल भी बिल्कुल रेडी हैं बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए। वेल, सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ साथ सहर बम्बा भी अपना डेब्यू करने वाली हैं बॉलीवुड में, जो यहाँ पल पल दिल के पास के जरिए ये दोनों डेब्यू करने वाले हैं बॉलीवुड में। और पल पल दिल के पास फिल्म की बात करें तो 20 सितंबर को यानी जल्द ये फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली है। इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो फादर सनी देओल ने ही अपने बेटे करण देओल के लिए इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। वही रिसेंटली इस फिल्म का प्रीमियर भी हो चुका है और दादा धर्मेंद्र ने भी उनकी ये फिल्म देख ली है। जी हाँ, धर्मेंद्र जी ने ये फिल्म देखने के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिस वीडियो में वो नजर आ रहे हैं पल पल दिल के पास के बारे में बताते हुए और कैसी लगी है उनको मूवी, उन्होंने ये भी शेयर किया है अपने फैंस के साथ। तो आइए हम भी देखते हैं उनका ये वीडियो। दोस्तों, ऐसे मैसेज मैं कभी करता नहीं, लेकिन कल रात मैंने अपनी फिल्म पल पल दिल के पास देख ली तो रहा नहीं गया, जी चाहा आपको मैसेज कर दूं। ये फिल्म मुझे फिल्म नहीं, एक हकीकत लगी। ये आज की सोसाइटी की फिल्म है, आज के नौजवानों की कहानी है। माँ बाप को अपने बच्चों से कितना प्यार है, बच्चों को अपने माँ बाप से कितना प्यार है, पहाड़ों में जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी एडवेंचरस है, और शहरों में क्या कुछ चल रहा है। सनी ने बड़े जी जान से इसे पिक्चराइज किया है। दोस्तों, मेरी दरख्वास्त है, एक बार जाकर ये फिल्म थिएटर में देख लो, दूसरी बार आपका दिल आपको यकीनन ले जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। लव यू, बिलीव मी।